ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूजो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून जी। तो आजकल जो है वो शादियों का सीज़न है, बहुत सारे लोग हैं जो शादियों की शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। ये महीना ही ऐसा है कि हर जगह कहते ना, हर घर में माशाल्लाह से जो है वो शादी हो रही होती है, कहीं से ढोलक की आवाज़ आ रही होती है, कहीं से गानों की आवाज़ आ रही होती है, कहीं सड़कों पर आपको लाइटिंग नज़र आती है, कहीं आपको बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है। तो इसी तरह हम भी आज प्रोग्राम कर रहे हैं एक मॉल में, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने भी बहुत चमकदार सा, बहुत खूबसूरत सा जो है वो शादियों वाला जोड़ा पहना हुआ है। और ये कलर जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इसको ऑरेंज कलर कहते हैं और ये बहुत स्टाइलिश लगता है। तो वैसे लोग कहते हैं कि अलीना लोदी सेटिंग सम मेजर वार्डरोब गोल्स। तो मैं कोशिश करती हूँ, आई लव टू गेट रेडी, सो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे फैशन्स का बता सकूँ, हर तरह से पार्टी वेयर, आउटगोइंग, शादियाँ, क्योंकि शादियों का सीज़न है तो मेरी कलेक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही है। तो बस खैर, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, अब हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से, भूजो तो जीतो की तरफ से बहुत सारे इनाम देने हैं। पूछना है कि आपके ख़ानदान में किसकी शादी आ रही है और आपका छुपा हुआ टैलेंट लोगों को दिखाना है। चलें अब हम मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करवाते और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? नवीद। आपका नाम? नवीद। कौन सी क्लास? आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। चले जी, मुझे बताएं, शादियों का सीजन चल रहा है, आपके खानदान में किसकी शादी है? अभी ये 20th को शादी है, उसके बाद फिर अभी पीछे अटेंड की है 3 को, तो बस ये चलता ही रहता है सिलसिला। 2-3 शादियाँ और भी आगे आ रही हैं। मार्च में मेरे अपने ब्रदर इन लॉ की शादी है। माशाल्लाह, तो बेगम तो फिर शॉपिंग में ही रहती होंगी। बस इसीलिए आज इधर आए हूँ। चले, क्योंकि ये ऐसा मंथ है कि इसमें सबसे ज्यादा शादियाँ होती हैं। एग्जैक्ट। चले जी, पाकिस्तान में खास तौर से। चले जी, आपसे सवाल करते हैं, मुझे बताएं वो कौन सा फल है जिसका नाम आधा जो है वो फूलों के ऊपर है और आधा जो है वो फलों के ऊपर है? आधा फूलों पे और आधा फलों पे, ये तो नहीं पता, कोई और पूछ ले। गाना सुना देता हूँ। नाराज तुम नाराज हम, कैसे मिटे फिर दूरियां, हम मुंतजर तुम बेखबर, दोनों की हैं मजबूरियां। नाराज तुम नाराज हम, कैसे मिटे फिर दूरियां। थैंक यू। वेरी नाइस। कौन है नाराज? नाराज ये जुनेद जमशेद का गाना है, उसकी एल्बम थी जिसे शुएब मंसूर डायरेक्ट करते होते थे। तो वाइटल साइन का गाना बेसिकली। अच्छा अच्छा, आपने क्या सुना? हाँ अच्छा, बस जोर से कैमरे में देखो, बस जोर से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। चलो, थैंक यू। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। जी, इन्होंने तो हमने कर ली बात और इन्होंने बताया कि इनके ख़ानदान में जो है वो शादियां हैं भरपूर। ये जो आने वाली 20 तारीख है, इसको भी जो है वो एक शादी है, और अगले महीने भी शादी है, और अभी 4 दिन पहले भी एक शादी अटेंड की है। खैर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि शादियों का सीज़न है, फुल एक महीने में 4-4 जो हैं वो शादियाँ आ गई हैं, तो लोग जो हैं वो बस पागल हुए पड़े हैं। और औरतों का ये बड़ा मसला है कि जो जोड़ा पहले पहन लिया, भाई वो मैंने नहीं शादी पे पहन लिया, भला वो क्या कहेंगी, तुमने उसी की शादी का जोड़ा पहन लिया, ये टिपिकल एक नेचर है।
मर्द बेचारे एक ही जोड़ा चाहे तीन चार दफ़ा पहन लें, तो खैर ये तो चलता रहेगा। हम आपको और भी लोगों से पूछवाते हैं, मजा करवाते हैं कि किसके खानदान में किस किसकी शादी। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? आपका नाम? कौन सी क्लास? आप क्या करते? मैं हाउस वाइफ। चले मुझे बताएं वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत लिखा जाता है, गलत पढ़ा जाता है, गलत सुना जाता है। गलत? तालियां बजाएं अपने लिए। चले मुझे बताएं, शादियों का सीज़न है, फुल शादियां हो रही हैं, आपके ख़ानदान में किसकी शादी है? भाई क्यों नहीं है, मार्च में। ओह मुबारक हो। चले जी, तो शॉपिंग? हाँ जो भी शॉपिंग स्टार्ट की है, ऐसे स्टार्ट की है। क्या सोचा, किस रंग का जोड़ा बना? मेहंदी पे तो शरारा वगैरह का सोचा है। रंग? और रंग उसका ग्रीन। और बारात? बारात पे रेड कलर का। और वली में? वली में पे लाइट ब्लू। यानी कि तीनों कलर की सिलेक्शन जी। चले ये तो खैर सीज़न ऐसा है कि इतनी शादियां हैं, हम भी आज काशरी शादी पे कह रहे हैं, इसलिए मैंने भी शादियों वाला जोड़ा पहना है कि लोगों से पूछें कि शादियों की शॉपिंग में क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं, आपको क्या मुश्किल आ रही है? सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों के साथ शॉपिंग करते रहती है, मेरे बच्चे छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, कहते घर चलो। जी जी, सिलेक्शन टाइम लेना पड़ता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बच्चों ने क्या पहना? इन्होंने अभी मेहंदी पे शरारा पहनेगी, इतनी छोटी पहन लेगी। हाँ जिनकी कजन्स वगैरह है ना वो पहनेगी, सब पहन लेंगी। पहनेगी? अरे वाह। चले जी, क्या सुनाएंगी आप मुझे? सुना देती हूँ। ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। बच्ची ने भी कुछ सुनाना है? माई नाम सुना दो। पॉइंट दिल दिल बगदान जा जा बगदान दिल दिल जा जा बगदान तेरी। थैंक यू जी। इनके जो है वो भाई की शादी है, रंग भी जो है वो डिसाइड हो गए हैं, ग्रीन रेड एंड ब्लू, अच्छी कम्बिनेशन है। मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि बारात पे बाकी लोग रेड ना पहना करें, दुल्हन का रेड होता है तो बस वो जो है वो ज़्यादातर शौक नज़र आनी चाहिए। अब आने वाले मेहमानों को तो हम कह नहीं सकते, तो कम अज़ कम जो घर के लोग हैं वो अब ये देखिए ऑरेंज पहन लें आप और कोई कलर पहन लें, मगर बारात वाले दिन आप रेड पहनने से जो है वो अवॉइड करें। इसका दुल्हन को मेरे ख्याल से ज़्यादा स्पेशल फील होगा, मुझे ऐसा लगता है। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम आप? साजिद अंसारी। आपका नाम? कौन सी क्लास? चले जी, क्या करते हैं आप? जॉब करते भाई। चले मुझे बताएं आपके खानदान में किसकी शादी है? हमारे खानदान में मेरी कजन की शादी आ रही है। कजन की आ रही है, कब है? अभी ये 2 जनवरी को। ओहो, सर पे शॉपिंग हो गई? जी अभी हो रही, कुछ रहती है। आपकी वाइफ की रहती होगी? जी वाइफ की, आपको पता लेडीज की तो शॉपिंग खत्म ही नहीं होती होती। चले मुझे बताएं, जब शादियों की शॉपिंग होती है उसमें आपको क्या मुश्किल पेश आती है? मुश्किल तो कोई नहीं, बस ये चीज़ होती है कि ज्यादा सब चीजें लेने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, खर्चा भी आ खर्चा तो वो तो है ज़ाहिर। चले जी, कितने पैसे दिए हैं उनको जोड़ों के लिए? बी जो है तकरीबन 25,000 तो खर्चा हो चुका है। ओए होए, अभी 25,000 हो चुका है जी। चल मेरी रहती थोड़ी सी, अभी आपकी रहती है। चले बेस्ट ऑफ लक। चले जी, इनके भी कजन की शादी है और खुद जो है वो पैसा लग रहा है, सवाल करते हैं आप। मुझे बताएं वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत लिखा जाता है, लफ्ज़ है जो हमेशा गलत लिखा जाता है? मेरा नहीं ख्याल तो है, लोग उसको हमेशा गलत लिखते हैं, पता नहीं क्यों। गलत ही होगा। तालियां बजाएं। क्या सुनाएंगे? मेरी आज वाइफ की बर्थडे भी है तो उसके लिए उनको विश करूंगा। ओके, क्या गिफ्ट दिया? गिफ्ट तो मैंने सूट दिया उनको। इंशाल्लाह ये ले सुनाएंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ला ला
हैप्पी बर्थडे टू यू हाहा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू वेरी नाइस आपने पोइम सुनानी है ये ले लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम जी इन्होंने जो है वो क्या सुनाया इन्होंने अपनी बीवी को अपनी वाइफ को सालगिरह जो है वो मुबारक उसकी दी और फिर से इनके भी घर में शादी है खूब इनका जो है वो खर्चा हो रहा है 25,000 रुपया ये अभी तक खर्च कर चुके हैं जिसमें इनकी और इनके बच्चों की शॉपिंग नहीं हुई सिर्फ इनकी वाइफ की हुई है तो भाई शादियों में मर्दों को तो खूब कबाड़ा होता है खूब खर्चा होता है चलें अब देखते हैं और किसका कितना कबाड़ा हो अस्सलाम वालेकुम नाम आपका कोमल कोमल चलिए मैं आपको बता दूं आज हमारे एपिसोड जो है वो स्पेशल शादियों पे है आप देख सकते हैं मेरे जोड़े से आपको अंदाज़ा हो रहा आपके ख़ानदान में किसकी शादी लास्ट टाइम तो वैसे मेरी ही हुई थी लास्ट ईयर बिल्कुल है डेढ़ साल हो गया तकरीबन नहीं नहीं अभी इस किस किस रिसेंटली सिस्टर की होने वाली है आई मीन ये शादियों का मंथ है ना सबसे ज़्यादा शादियां पाकिस्तान में इस महीने में होती हैं इसलिए हम स्पेशल पूछ रहे हैं किसकी शादी है सिस्टर की होने वाली कब है जनवरी में यानी कि एक महीने में ही है ओए चले जी मुझे भी जल्दी से बता दें आपके कितनी तैयारी हो गई है तैयारी काफ़ी हद तक हो गई बस कपड़े रह गए थोड़े बहुत वो करने हैं अभी ओए होए क्या पहनना है मैंने तो सलवार की मेरी सोचा है वही कलर एक रेड कलर में है और एक मेरी अपनी शादी का जोड़ा पड़ा हुआ है वो पिंक कलर में है तो इस तरह मैनेज करेगा एक मेहंदी का जो है वो बनवाया है चले जी कितने पैसे लग चुके हैं एक तो 12,000 का था वो तो लिया था हमने और एक 6,000 में था एक का जो है ना वो अलग अलग खर्चा है तो वो जरा मेरा आके हो जाएगा चले जी हस्बैंड का कबाड़ा हो रहा है उनका तो होता ही रहता है चले जी शादियों का सीजन है और हर कोई जो है वो शादी की शॉपिंग कर रहा है चले मैं आपसे सवाल करती हूँ एक आदमी था बूढ़ा उसके साथ उसकी जो है वो बेटी की बेटी जा रही थी और उसके पास एक बकरी भी थी तो एक आदमी ने उससे पूछा कि आपकी उम्र क्या है और ये बकरी की कीमत क्या है और ये आपकी क्या लगती है उसने ऐसा क्या जवाब दिया कि सिर्फ एक लफ्ज बोला और तीनों के जवाब दे नवासी ओके नवासी क्या होगा उसकी बेटी की बेटी नवासी उसकी बेटी की बेटी और बकरी जो है वो आपने पूछा उसका रिश्ता आपस में क्या था नहीं आपने सही जवाब दिया है पर आप खुद कंफ्यूज तालियां बजा ले तुम्हारा जो है ना वो भूल गए चले बाबा जी की उम्र भी 89 साल थी वो भी उनकी 89 थी अच्छा मैं इसीलिए भूल गई कि आपने क्या क्या क्वेश्चन किया था एक उम्र का पूछा आपने एक उनका रिश्ता पूछा और बकरी की कीमत कीमत वो 89 पैदी पुराना जमाना था चले क्या सुनाएंगे क्वेश्चन काफ़ी नहीं अच्छा चले रेसिपी शेयर कर दूँ ओके रेसिपी जो है वो मैं आपको बर्गर जो है ना वैसे हम यहाँ बर्गर ही खाने के लिए आए हैं तो चिकन के अंदर आप मैरिनेट करें उसे उसके साथ स्पाइस के साथ और उसके अंदर धनिया हरी मिर्चें और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और लहसुन अदरक ये सब चीज़ें आप डाल के उसे मैरिनेट कर दें कुछ देर के लिए और उसे बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें और उसके बाद उसे फ्राई करें और फिर बर्गर की तरह जो है वो आप ज़बरदस्त जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए जी इनकी बहन की शादी है 2 जनवरी को बहुत कम दिन रह गए शादी में ये बहुत है जो हैं वो एक्साइटेड हैं क्योंकि भाई बहन की शादी है और फुल जो है शॉपिंग हो रही है भाई कोई एक ऐसा नहीं मिला जिसने अभी तक मुझे ना कहा हो कि खानदान में शादी नहीं है हम किसी और से पूछते हैं कि उसके खानदान में किसकी शादी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नाम वसीम रुबाब कौन सी क्लास में आप क्या करते हो अपना बिजनेस हमें ओके चलो जैसे कि ये शादियों का सीज़न है आपके ख़ानदान में किसकी शादी अभी रिसेंटली गुजरी है या आने वाली है रिसेंटली तो एक दोस्त की गुजरी है अपने बड़ों की शादियों में तो काफ़ी ज़माने गुजरे अच्छा और अभी किसी की आने वाली है? अभी मेरी आने वाली बाय द वे कब मार्च में इंशाल्लाह अच्छा अच्छा करीब है चलो जी मुबारक हो ओके जी तो शॉपिंग कितनी हो गई है ऑलमोस्ट डन है अच्छा ओके आपके जोड़े शोड़े रेडी हैं हाँ ऑलमोस्ट एवरीथिंग है कितना पैसा खर्च किया आप अम्मा को पता होगा हम सिर्फ दे रहे हैं गिन नहीं रहे अच्छा यानी कि ज्यादा हुआ एग्जैक्टली ऐसे ही ओके चलिए ये आपकी मेरी भांजी है ये भांजी हैं चले जी आपकी शॉपिंग हो गई है
गुड। किस कलर के कपड़े बनवाए हैं? सिर्फ मम्मा ने बनवाए हैं। मम्मा ने, जो मामा बनाएंगी पहन लो। ओके चलिए, मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, एक दूध बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है, उसके पास दो बर्तन है, एक 3 लीटर का है और एक 5 लीटर का है। एक कस्टमर आया, उसने उसे बोला मुझे 1 किलो दूध चाहिए, तो वो कैसे उसको मैयर करेगा या नापेगा, क्योंकि उसके पास या तो 3 लीटर का बर्तन है या 5 लीटर का बर्तन है। यार ये बहुत मैथमेटिक्स वाला सवाल है और मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। अगर इसे चेंज कर दो तो बेहतर है। चेंज होता नहीं, चले मैं आपके लिए दूसरा सवाल कर देते हैं, क्योंकि आप मैथ्स में कमजोर हैं इसलिए। ओके, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, उर्दू चलती है थोड़ी थोड़ी। चलो फिर अली भी आती है? नहीं। चले उर्दू का सवाल कर। अलिफ बे मेरी बेटी सुनाएगी आप? नहीं आप। हाँ उर्दू में कर लो आप। उर्दू के लफ्जी मायने क्या है? उर्दू के लफ्जी मायने पैगाम पहुंचाना। अच्छा ये नहीं है, सीरियसली आपको पता है? मेरी बात अगर क्वेश्चन लेके आई हूँ आपको आए, अभी आपके लिए 3 सवाल 2 चेंज हुआ है, आपको पता है? सीरियसली इतने मुश्किल सवाल करना बनता है? चले मैं भी नहीं बनता, क्या सुनाएंगे आप? लफ्जी माय ये सुनाएगी, ये लतीफा सुनाने आई है। चले भाई लतीफा सुनाने। दो बच्चे होते हैं, उनका एक ट्रेनर होता है, वो से ना सिखा रहा होता है ट्रेनिंग, तो ना वो उनका ट्रेनर उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने ना जंगल जाना है, तो आपको भालू मिला, आप लोगों ने ना दरख्त पे चढ़ जाना है। वो कहते हैं ठीक है। वो जा रहे होते हैं, उन्हें भालू मिलते हैं, उनमें से एक बच्चा कहता है लगता है ऐसे भूख नहीं लग रही, कि वो गुजर रहा होता है। जब वो उनके पास आने लगते हैं ना, तो दूसरा बच्चा कहता है लगता है ऐसे भूख लग रही है। वो बैठते हैं, अपने ट्रेनिंग शूज़ पहन रहा होता है, अपने दूसरे शूज़ उतार के, तो ना दूसरा जो बच्चा होता है ना, जो खड़ा होता है भागने के लिए, तो वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो? वो कहते हैं इससे तुम भालू से तेज नहीं भाग सकते। कहते मैंने भालू से तेज नहीं, आपसे तेज भागना है। जवाब आता नहीं, इंग्लिश आपको नहीं आती, उर्दू आपको नहीं आती, मैथ आपको नहीं आता, आप फिर क्या कर रहे हैं लाइफ में, आप कर क्या रहे हैं? मगर एक बात अच्छी थी कि कॉन्फिडेंस था लड़के में, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कहते हैं ना कुछ होए ना होए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा सी। जी नाजरीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।